हेलो दोस्तों, आज हम बीजू आम के पौधे में फजली कलम बांधने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को दिखाएंगे कि बीजू आम के पौधे में किस तरह से फजली कलम बांधते हैं। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो दोस्तों, हमने बीजू आम के टहने को कुछ इस प्रकार से हमने छिलके को छिल लिया है। तो दोस्तों, यह फजली आम के टहने। तो दोस्तों, हम इसी टहने को इस प्रकार काट के उसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमने इसे बहुत ही अच्छे तरह से हमने काट लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और इस पर इस प्रकार अच्छे तरह से इन पर डाल देंगे। सो दोस्तों, हमने इन्हें बहुत ही अच्छे तरह से डाल दिया है। तो इसमें हम टेप से अच्छे तरह से लपेट देंगे। अच्छे तरह से लपेट देंगे ताकि इसमें हवा का प्रभाव ना पड़े। कलम भी बहुत ही जल्द तैयार हो जाए। तो दोस्तों, हमने इन्हें बहुत ही अच्छे तरह से टेप से बांध दिया है। तो दोस्तों, आपको दिखाएंगे कुछ दिन के बाद कि इसमें ग्रो होता है या नहीं। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिन हो चुका है और इसमें छोटे छोटे पत्तियां वगैरह भी आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।